देखो अगर आप भी थक चुके हो ना भाई इन पेंसिल्स को शार्प करते करते और निकले हो कोई अच्छी सी मैकेनिकल पेंसिल की खोज में कि शार्प करने की झंझट हो जाए खत्म, तो भाई आज तुम्हारा भाई विशाल तेवतिया स्टेशनरी की दुनिया में लगभग 12 ब्रांड्स की 18 तरीके की पेंसिल हम लेके आए हैं। एंड इस वीडियो के अंदर ना भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज इसको कंपेयर करने में, क्योंकि हमारे पास ना भाई 0.5, 0.7, 0.9 यहां तक कि 2.0 mm की साइज की निब की भी मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। तो भाई इनके अंदर ना आज हम देखने वाले हैं हमें किसके अंदर बोल्ड एंड डार्क राइटिंग मिलती है, किसके अंदर लाइट राइटिंग मिलती है, हम कंपैरिजन करेंगे इनकी क्वालिटी को लेके, हमें किसकी बॉडी डिजाइन अच्छी मिलती है, किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, किसकी लेड की क्वालिटी अच्छी मिलती है, किसका क्या प्राइस है एंड उसके साथ में क्या क्या मिलता है एंड कुछ एडिशनल फीचर्स वगैरह भी किसी पेंसिल से हमें मिलते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। एंड जो पेंसिल आपको पसंद आए ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखो हमारे पास जो आज ये कलेक्शन है ना भाई 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की इसके अंदर मैकेनिकल पेंसिल है, सारी आपके बजट में आने वाली है। और जो हमारे पास एक और कलेक्शन है जिसको हम किसी अलग वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो भाई इसके लिए हमें अपनी हाईवे वाली प्लॉट है वो गिरवी रखनी पड़ी है, क्योंकि ये भाई बजट से बाहर है, ये बहुत ज्यादा महंगी है। देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये 18 मैकेनिकल पेंसिल्स का कलेक्शन ना। देखो भाई ये हमारा कलेक्शन ना 10 रुपए में आने वाला है। और देखो मैकेनिकल पेंसिल्स को ना हमारे यहाँ पे भाई पेन पेंसिल भी बोलते हैं, तो आपके वहाँ पे भी अगर सेम इनको बुलाया जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो हमारे पास ना फीगो की मैकेनिकल पेंसिल है और 0.7 mm के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा ओपन करके आपको दिखाऊं कि दिखने में कैसी है। देखो ये फीगो ना नई ब्रांड है लेकिन इसके प्रोडक्ट ना काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी प्रोडक्ट रिव्यू किए हैं और इसके ऊपर पूरा वीडियो भी लाने वाले हैं जिसमें आपको फीगो के सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो देखो ये आपको कुछ ना ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की पूरी काफ़ी लेंथी साइज की पेंसिल देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हम देखते हैं, देखो आपको इसके अंदर एक तो इंटरनल लेड मिल जाएगी जिसके अंदर ही है, और इसके अंदर आपको ना बॉक्स है जिसके अंदर आपको 60 mm की लेंथ की और 0.7 mm डायमीटर की ना भाई 5 रुपए की आती है, और इसके अंदर आपको 5 ही मिलने वाली है, किसी के अंदर 10 एंड किसी के अंदर 5 मिलती है, तो वही चीज कंपेयर करने वाले हैं कि हमें कहाँ पे ज्यादा फायदा होने वाला है। एंड देखो 10 रुपए में आने वाली ना हमारी सेकंड है भाई सेलो की सुप्रीम। देखो काफी पॉपुलर पेंसिल है और हमारे पास ना 0.5 mm निब के साथ है, तो भाई देखो 10 रुपए के अंदर मैं आपको फर्क दिखाऊं। फीगो वालों की भाई ना बॉडी अच्छी थी ना डिज़ाइन अच्छी थी, लेकिन देखो इसकी भाई डिज़ाइन भी अच्छी है और बॉडी भी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। देखो आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी एंड 10 रुपए के हिसाब से भाई वर्थ इट लग रही है। एंड देखो सेकंड चीज़ इसके अंदर ना आपको बैक साइड में इरेजर भी दिख जाएगी, कोई गलती हो आराम से मिटा लो। सेलो सुप्रीम का मैकेनिज्म है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और आपको देखो यहाँ पे वर्क करता हुआ दिख जाएगा और आप इसको आसानी से अंदर बाहर कर सकते हो। तो आपको सिर्फ ना 10 रुपए के अंदर भाई पेंसिल मिलने वाली है, लेकिन इन लोगों ने लेड भी दी थी तो वो चीज भी आपको समझनी पड़ेगी भाई, थोड़ी क्वालिटी हल्की थी लेकिन लेड थी उसके अंदर। देखो डॉम्स की मैकेनिकल पेंसिल है और ये ना आपको काफी सारे कलर्स के अंदर मिल जाएगी, बॉडी कलर्स के अंदर पेंसिल का कलर तो भाई सेम ही मिलने वाला है। देखो ये आप मेरे पास है वो ब्लू और थोड़ी सिल्वर है, तो जो इसका ग्रिप सेक्शन है ना वो काफी अच्छा है, थोड़ा मेटे मेटेज है और रबराइज्ड है, और रबर भी ना काफी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज की हुई है। एंड जो इसका मैकेनिज्म है भाई वो सेम ही है, क्योंकि 10 रुपए के अंदर तो उतना कुछ तो चेंज होगा नहीं भाई मैकेनिज्म में ना। उसके बाद देखो नटराज है, नटराज की मैकेनिकल पेंसिल भाई जिन्होंने पहली बार देखी है वो जरूर बताना, नटराज की हमारे पास ना भाई क्लियर है। और देखो अभी तक जो हमें मिल रही थी ना सारी की सारी राउंड शेप में थी, लेकिन भाई ये मिलने वाली है हमें हेक्सागोनल शेप के अंदर। आपको अगर हेक्सागोनल शेप ज़्यादा आसान लगती हो तो भाई आप ये ले सकते हो। देखो इसके अंदर जिसका नीचे का कैप है ना भाई वो भी इसका सिल्वर स्टील में मिलने वाला है। एंड देखो इसकी जो क्लिप है वो तो आपको प्लास्टिक में मिलने वाली है। एंड देखो ये कुछ इस तरीके से आप इसको इजीली अंदर बाहर कर सकते हो, तो बाकी मैकेनिज्म तो काफी अच्छा है इसका भी। उसके बाद देखो लास्ट है हमारी स्कूलमेट एड जेल की, तो भाई एड जेल में भी मैकेनिकल पेंसिल आती है, हमने एड जेल के सभी प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है, आप जाके चैनल पर जरूर देखना। और देखो ये आपको कुछ रेड कलर की मिलने वाली है 0.7 mm की, यहाँ पे प्लास्टिक की क्लिप मिल जाएगी, फुल ट्रांसपेरेंट बॉडी मिल जाएगी राउंड कलर की, लेकिन देखो जो इसका ग्रिप सेक्शन है ना उसके अंदर आपको कर्व से दिखेंगे जिससे आपके यहाँ पे ग्रिप काफ़ी अच्छे से बनने वाली है। एंड देखो मैकेनिज्म भी अच्छे से वर्क करने वाला है और इसमें भी आपको इरेजर मिल जाएगी, जबकि इसमें आपको कोई इरेजर नहीं मिलने वाली नटराज में। देखो अगर आपको ये लेंथी पेंसिल से लिखना पसंद है ना तो भाई आप फीगो और नटराज में जा सकते हो, और एड जेल में देखो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन भाई अगर आपको चाहिए रबराइज्ड ग्रिप तो वो मिलने वाली है आपको डॉम्स एंड सेलो से। एंड अभी हम इनमें ना वेट और मेजर करते हैं कि कितना वेट हमें पेंसिल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये लो हमारा आ चुका है तराजू, तो भाई जो हमारी सेलो की है ना वो आपको 7.80 ग्राम की मिलने वाली है, तो देखते हैं किसका लाइट वेट है और कौन हैवी है। तो भाई ये देखो फीगो की 5.25 ग्राम की है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। उसके बाद आपकी है 6.5 ग्राम में डॉम्स की, 6.75-7 ग्राम की। नटराज देखते हैं तो भाई नटराज भी आपको 6.40 की मिलने वाली है। एंड उसके बाद देखते हैं हमारी लास्ट
580 की एडजेल की। तो भाई एडजेल की और फीगो सबसे ज्यादा लाइट वेट है। तो देखो थोड़ा राइटिंग एक्सपीरियंस देखा जाए इनके साथ की ग्रिप के साथ कैसा राइटिंग हमें मिलने वाली है। तो ये थोड़ी ज्यादा बाहर आ गई, टूट ना जाए, इस वजह से मैं इसको हल्की सी अंदर कर लेता हूँ। तो इससे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब स्टेशनरी वर्ल्ड। तो भाई जल्दी से कर लें आप भी। और भाई देखो इसकी जो लेड है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड राइटिंग हमें दे रही है, तो जिससे लिखने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डार्क भी है तो और का भी कंपेयर हो जाएगा तब ज़्यादा पता चलेगा। तो जल्दी से कर ले भाई स्टेशनरी वर्ल्ड को ना, तो ब्रेक नहीं हो रही है राइटिंग में, तो क्वालिटी तो अच्छी है भाई। एंड देखो सेकंड एड जेल की है। अगर आप इनसे सोच रहे हो ना अगर फोर्स से लिखने की, जैसे आप HB पेंसिल से लिखते हो, तो भाई इनकी लेड है वो ब्रेक हो जानी है, क्योंकि ये सिर्फ लेड है और उसके अंदर होती है वुड के अंदर लेड, तो भाई वो थोड़ी उसकी ग्रिप अच्छी बनी होती है। तो एडजेल की भी भाई हमें काफ़ी अच्छी राइटिंग दे रही है। देखो कुछ खास डिफरेंट उतना है नहीं, इससे भी मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी वर्ल्ड। तो आप कितना स्पीड से इससे लिखो तो कोई भी ब्रेक्स आपको नहीं होने वाली है लेड के अंदर ना, तो क्वालिटी एडजेल में भी अच्छी है। देखो भाई जो नटराज की पेंसिल है ना वो थोड़ी थोड़ी सी, देखो ये पेंटल की है भाई, 450 रुपये की मुझे पड़ी थी, तो उसकी सी इसकी लुक मुझे लग रही है भाई दिखने में ना। बस फर्क ये है प्लास्टिक में और ये पूरी की पूरी मेटल में है। तो भाई मैं इसका भी आपको वजन दिखाऊं कि ये कितनी भारी है, तो देखो आपको पता चल रहा होगा 11 ग्राम की है। तो उसके बाद हम इससे राइटिंग देखते हैं नटराज से राइटिंग कैसी मिलती है। तो भाई इससे आपको ओ यार सेट, तो इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी हल्की लगी, मैंने बराबर ही फोर्स से काम कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि ये तो हमने जिनसे लिखा था ना, आपको इससे थिक राइटिंग इस वजह से मिलेगी क्योंकि ये 0.5 mm है, हमने अभी तक लिखा था 0.7 mm। सुप्रीम के साथ ना ग्रिप सेक्शन तो काफ़ी अच्छा बन रहा है, और ये भी आपको मेरे पास है जो 0.5 mm में 7-9 इसमें दोनों मिल जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। तो भाई बाकी इससे ग्रिप सेक्शन अच्छा बनने की वजह से ना तो भाई मजा आ रहा है लिखने में ना। देखो हमारा मैकेनिकल पेंसिल का सेकंड कलेक्शन है, और भाई ये 15 से 20 रुपए वाली पेंसिल है, लेकिन भाई जो फीगो थी ना उसने 10 रुपए के अंदर ही आपको एक्स्ट्रा लेड दी थी, लेकिन भाई 20 रुपए में तो आपको सब में एक्स्ट्रा लेड मिलने वाली है। तो देखो हमारे पास यूनो मैक्स की है ये 2B मैक्ट्रॉन। भाई इसकी जो पेन वगैरह है सबका नाम यूनिट्रॉन, मैक्ट्रॉन, बोल्ट्रॉन, सॉफ्ट्रॉन ही होता है, और ये आपको पढ़ने वाली है 5 रुपए की। इसके अंदर आपको लेड ट्यूब एंड टोटल 15 रुपए की पढ़ने वाली है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके पेंसिल किस तरीके की दिखती है। तो भाई जैसे इन लोगों के पेंस दिखते हैं ना, सेम टू सेम लुक वही पेंसिल की भी आपको मिलने वाली है। सेम बॉडी डिजाइन रफली सा, सेम इसके ऊपर ग्रिप सेक्शन, भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसके पेंसिल लिखना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद देखो क्लिप भी काफ़ी यूनिक सी है जिसपे यूनोमैक्स की ब्रांडिंग दिख जाएगी, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी आपको एक इरेजर दिख जाएगी, एंड इसकी मैकेनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है जिससे आपकी पेंसिल अच्छे से वर्क करने वाली है। एंड देखो जो लेड का बॉक्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा सा प्यारा सा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ 5 ही लेड मिलने वाली है, क्योंकि किसी के अंदर 10 मिलेंगे तो वो हम देखते हैं। उसके बाद देखो हमें इसके अंदर मिलने वाली है इन्फिनिटी की मैकेनिकल, भाई 20 रुपए की पड़ने वाली है, क्योंकि आज काफी सारे ब्रांड्स हैं तुम्हारे भाई के पास, तो 20 रुपए में देखते हैं। 0.5 mm की है, एंड इसके अंदर हमें जो लेड मिलने वाली है ना वो 10 लेड मिलने वाली है, तो भाई थोड़ा फायदा यहाँ पे हो गया, और ये 0.5 mm में है। एंड देखो भाई इनकी मैकेनिकल पेंसिल है मुझे थोड़ी ज्यादा यूनिक सी लग रही है, इसमें लग रही है अच्छा। अब आपको क्या है कि इसका मैकेनिज्म ना यहाँ पे है, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे वर्क करने वाला है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ इन्होंने क्या चीज़ दे रखी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो भाई ऊपर की तरफ मिलने वाली है आपको इरेजर, वो भी एक यूनिक डिज़ाइन के अंदर, आप इस तरीके से अपनी इरेजर ओपन कर सकते हो, एंड आपको इरेज करना आसान हो जाएगा। मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ। तो ये लो भाई, ये चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इन लोगों की, क्योंकि यार दिखने में ज़्यादा बेस्ट है आज की डेट में ना, मज़ा आता है क्योंकि क्वालिटी तो लगभग सेम सी है ही। तो भाई इसकी लुक ना और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, दिल को भा गया। देखो नेक्स्ट एडजेल की हमारे पास दूसरी है, क्योंकि वो थी हमारी 10 रुपये वाली, अब है हमारी 20 वाली, और आपको भाई जो साइज़ मिलने वाला है वो 1.3 mm का मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए थोड़ा मोटा साइज़ तो भाई आप एडजेल की पेंसिल ढूंढ लेना, बाकी अगर ऑनलाइन इसके वो होंगे तो हम दे देंगे। देखो भाई कितनी ज़्यादा मोटी लेड इसके अंदर मिलने वाली है आपको, और जो पेंसिल है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ब्लैक कलर की मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, और इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की भी काफ़ी बेस्ट है, थोड़ी बोल्ट्रॉन की इसी मिक्स है, इरेजर आपको टिप पे मिल जाएगी, एंड देखो कितनी बोल्ड है। राइटिंग देखते हैं कि कैसी हमें मिलने वाली है। उसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट हमारे पास सेलो की आर्क मैकेनिकल पेंसिल है, एंड 20 रुपए की पड़ने वाली है ये भी आपको, एंड इसके अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा लेड का बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 0.7 mm की 10 लेड देखने को मिलती है। उसके बाद देखो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, दिखने में तो ऐसे लग रही है जैसे मेटल में बनी हो, लेकिन भाई सिर्फ इसकी क्लिप ही मेटल के अंदर है, ग्रिप सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा और प्यारा सा बना रखा है, और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, टिप पे रेजर देखने को मिल जाएगी, एंड इसका मैकेनिज्म भी पीछे से ही वर्क करने वाला है। उसके बाद भाई देखो अगर आपको चाहिए 2 mm, अगर आपको लिखना है फुल बोल्ड या आपको करनी है कोई ड्राइंग,
तो भाई 2 mm तक अगर आपको चाहिए तो फोर्ड की आप ये लेके आ सकते हो मूव। तो भाई मैं आपको दिखाऊँ, इसको दिखने में तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे हमारी नहीं, थोड़ी सी अलग है। एंड अलग क्या, देखो ग्रिप सेक्शन देखो भाई इसका कितना यूनिक सा और प्यारा सा है, जहाँ पे आपके हाथ ना प्रॉपर बैठने वाला है। एंड रेड कलर के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है पेंसिल। 2.0 mm की इसके अंदर लेड है। एंड लेड दिखाऊँ मैं कितनी मोटी है, ये देखो भाई, और पूरी की पूरी शार्प है ऊपर से, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। एंड उसके बाद देखो हमारे पास है MK की मैकेनिकल पेंसिल भाई, ये भी आपको 0.7 mm में मिल जाएगी। ये ब्रांड मैंने पहली बार देखा है, मुझे मिल गया तो मैं ले आया कि चलो देखते हैं कि कैसी क्वालिटी हमें देता है, कि इसके प्रोडक्ट आगे लाने चाहिए। तो भाई देखो ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिम मिलने वाली है, और ज़्यादा मतलब हेवी क्वालिटी तो नहीं लग रही है यार 20 रुपये के हिसाब से ना। एंड इसके अंदर आपको 10 लेड मिल जाएंगी, तो इरेजर आपको टिप पे मिल जाएगी। एंड आप इस तरीके से इसकी पेंसिल निकाल सकते हो। उसके बाद ये देखो भाई, देखने का सामान तो ये है, कैसे, क्योंकि ये वो पेंसिल है, मुझे दुकानदार ने ये कह के सेल की है, अब पता नहीं मेरा कट गया है। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये इन्फिनिटी तक चलती है पेंसिल भाई, ना शार्प होती है ना मैकेनिकल पेंसिल की तरह टूटने वाली है, बस ये कि आप लिखते जाओ इससे ये ख़त्म नहीं होने वाली है। और इसके अंदर आपको इरेजर मिल जाएगी जिससे आप अपनी गलती वगैरह मिटा सकते हो। तो भाई देखते हैं इससे भी कैसा है ये। उसके बाद भाई लास्ट हमारे पास नटराज की फाइन 20 रुपये में आने वाली, सॉरी डिफाइन, 0.5 mm साइज है हमारे पास। एंड देखो भाई नटराज की डिफाइनर सच में काफी ज्यादा प्यारी लगी देखने में ना, ब्लैक कलर की है, जो इसका ग्रिप सेक्शन है वो भी रफली सा ब्लैक कलर का है। तो भाई लग रही है कि हमने कोई महंगा वाला पेन ले रखा है, पता ही नहीं चल रही कि पेंसिल है। देखो जो इसका रेट्रेक्टेबल है वो भी मैकेनिज्म भी काफी अच्छा है, जिससे एकदम ऐसी लुक आ रही है। और देखो कितनी प्यारी सी इसकी ना स्लिम से उसमें पैक कर रखी है लेड। देखो सबसे पहले मैं इस इन्फिनिटी से लिख के देखता हूँ भाई, इसकी लुक ना वैसी है जैसे इन्फिनिटी के पेन आते हैं ना, तो उसी तरीके से देखो इसका कैप वगैरह। और भाई 20 रुपये के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। ओ भाई लिखने में यार उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो इसकी राइटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है। कम से कम ऐसी डार्क राइटिंग हो तो यार थोड़ा सा मज़ा आता है लिखने में, तो इससे ऐसे लग रहा है कि पहले ही मिटा मिटा सा। तो भाई मुझे तो ये है कि स्मूथ तो चल रही है और लॉन्ग राइटिंग चलने वाली है, लेकिन भाई लिखने में उतना ना मज़ा नहीं आया। उसके बाद यूनोमैक्स से देखते हैं थोड़ा सा कैसा लगता है। तो यूनोमैक्स, तो भाई यूनोमैक्स अपने अकॉर्डिंग 15 रुपये के हिसाब से यार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, लेड भी अच्छी क्वालिटी की दे रही है। तो भाई पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्लिम, ये सेलो की आर्क ऐसी लग रही है कि मैं कोई आर्किटेक्चर हूँ, और अभी यहाँ पे तुम्हारे घर के लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ। तो ये लो, तुम्हारे भाई ने ये बना दिया तुम्हारे घर का डिज़ाइन, जल्दी से जाके मिस्त्री को बनवा लो भाई। तो भाई सेलो की आर्क भी ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है इसकी लेड के साथ ना राइटिंग करने में। उसके बाद आती है हमारी एडजेल की स्कूलमेट भाई, 1.3 mm में साइज है, तो इसमें देखते हैं कि कितना डिफरेंट दिखेगा। तो वो मैं यूनोमैक्स के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो अगर आपको चाहिए भाई बोल्ड राइटिंग, जितना एमएम बढ़ता है ना तो उतना डायमीटर बढ़ता चला जाता है भाई लेड का, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको किस तरीके की लेड चाहिए। उसके बाद हमारी नटराज की काफ़ी ज़्यादा फाइन है 0.5 nib के अंदर, तो मैं इसको देखता हूँ नटराज, तो ये भी काफ़ी अच्छी है चलने में। जैसा एक्सपीरियंस हमें इसके साथ आया था ना एडजेल के साथ, तो वो सेम साइज़ के साथ आ रहा है, बाकी इसकी नटराज और पुरानी नटराज में दोनों में सेम है। तो स्टेशनरी वर्ल्ड, तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एंड उसके बाद हमारे पास अब आ चुकी है भाई फीगो का हाथी 2.0 mm का, तो भाई इससे देखता हूँ कि कैसी राइटिंग मिलने वाली है। यहाँ पे एडजेल के बराबर मैं लिखता हूँ फीगो, तो भाई उस हिसाब से तो यार इतनी बोल्ड राइटिंग नहीं मिली जिस हिसाब से इसका 2.0 mm है, क्योंकि एडजेल काफ़ी है। थोड़ा और राइटिंग करता हूँ मैं फीगो, नहीं भाई अगर आपको ज़्यादा बोल्ड राइटिंग चाहिए तो भाई 2.0 mm से ज़्यादा तो मुझे एडजेल की लगी थी, बाकी आपकी मर्जी है, आपको कौन सी पसंद है वो आप ख़रीद लेना। एंड लास्ट ये हमारा ब्रांड था, इसको और देख लेते हैं भाई इसमें कितना दम है। तो इससे मैं लिख देता हूँ, ये इसकी ज़्यादा लेड बाहर आ गई, थोड़ी अंदर करनी पड़ेगी वरना टूट जाएगी, तो इससे मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। तो भाई राइटिंग एक्सपीरियंस में तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी लेड के अंदर भी, ऐसी कोई ये नहीं है कि हम कहेंगे कि ना भाई मत लेना। एंड देखो लास्ट भाई हमारी इन्फिनिटी की भाई, थोड़ी ना VIP फीलिंग दे रही है यार सच में भाई, 20 रुपये के हिसाब से ना जो बिल्ड डिज़ाइन है मुझे सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी वाली की पसंद आई है वो भाई। मैं सोच रहा था थोड़ा राइटिंग वगैरह में हो सकता है कटौती की हो, तो भाई नहीं, इसकी लेड की क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली है, ऊपर से इसका मैकेनिज्म और डिफरेंट लुक यार मुझे सबसे बेस्ट लगी अभी ये 20 में। एंड देखो लास्ट कलेक्शन हमारे पास ये है, जो कि आपको 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक जाने वाला है। लेकिन भाई ये 60 रुपये पर क्यों जाने वाला है, पेंसिल महंगी नहीं है, 59 रुपये का अगर ये पेगा तो आपको देखो इसके अंदर तीन तो भाई साइज़ की 0.579
तीनों साइज की पेंसिल, उसके बाद तीनों साइज की आपको लेड एंड काफी जंबो साइज की क्यूब मिलने वाली है फ्लेयर वालों की तरफ से। उसके बाद देखो सेलो की सुप्रीम थी वो नॉर्मल वाली, लेकिन ये सुप्रीम फैशन है, मतलब ये पेंसिल फैशन करके आई है प्रॉपर तरीके से। वो हम खोल के देखते हैं 0.7 mm साइज के अंदर मिलने वाली है, और ये देखो भाई कितनी ज्यादा इसके अंदर लेड है, और इसका प्राइस आपको 25 रुपए पड़ने वाला है। उसके बाद देखो सेम भाई फ्लेयर की तरह कैमलिन की भी पैकिंग है, जिसका नाम ट्राई मैकेनिकल है, 3-in-1 पेंसिल है, और ये देखो इसके अंदर आपको तीनों साइज मिल जाएंगे 0.579। अगर आप भाई मैकेनिकल पेंसिल से लिखते हो ना, तो मुझे ये पैक्स काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको तीनों साइज की लेड एंड पेंसिल मिलने वाली है, साथ में आपको इरेजर इनके टिप पे तो मिलेगी, एंड ऊपर से आप देख सकते हो कि इनके साथ एक अलग जंबो इरेजर भी मिलने वाली है। तो भाई ये पैक काफी अच्छा है, अगर आप वैसे पेंसिल लेने जाओगे तो भाई 20 रुपए की आपको पता है पड़ रही है, उस हिसाब से भी 60 रुपए की हो गई, एंड एक इरेजर का तो फायदा हो रहा है, इसमें एक अच्छा पैक मिल रहा है। उसके बाद देखो भाई होजर की ऑटो गियर है, तो देखते हैं कि किस तरीके से ऑटो गियर लगते हैं इसके, एंड ये आपको 40 रुपए की पड़ने वाली है भाई, थोड़ी सी महंगी है, तो देखते हैं उस हिसाब से कैसी क्वालिटी है। तो भाई देखो पेंटल, भाई पेंटल ना सच में टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर करता है, तो इसके हमारे पास मैकेनिकल पेंसिल है, एंड ये भी भाई ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपए है, तो इसके अंदर ही आने वाली है, लेकिन जो और ब्रांड है ना भाई उनकी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि हमारे पास फेबर कैसल की भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एंड ये देखो भाई इसके अंदर ट्विस्ट रेज मैकेनिज्म कंफर्टेबल ग्रिप 0.7 mm साथ के मिलने वाली है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं भाई सेम प्राइस में आने वाली फ्लेयर एंड कैमलिन में कौन सी पेंसिल्स बेस्ट हैं। तो भाई देखो कैमलिन के अंदर ना सबसे पहले जो हमें लेड मिलने वाली है, सभी उसके अंदर भाई 5-5 लेड मिलने वाली है, लेकिन वहीं हमारे पास भाई फ्लेयर की है जो उसमें हमें हर किसी में 10 लेड मिलने वाली है, तो भाई यहाँ पे हमारा काफ़ी फायदा हो गया। उसके बाद देखो जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई वो लगभग सेम ही है पेंसिल्स की ना, ऐसी कुछ खास फर्क नहीं है। देखो किसी के अंदर भी आपको यहाँ पे मैकेनिज्म वगैरह सारा कुछ सेम ही दिखने वाला है, कोई खास उतना फर्क नहीं है बिल्ड डिजाइन वगैरह में, उतना ही है कि जितना 10-15 रुपए की पेंसिल का हो सकता है। उसके बाद देखो लेकिन एक जो कैमलिन की भाई ये पेंसिल है ना, कौन सा साइज पे मेंशन कर रखा है 0.9, भाई ये सच में काफी अच्छी हैवी बिल्ड क्वालिटी की है। देखो इसकी ये प्लास्टिक की है, लेकिन आपको इसके अंदर ना मेटल क्लिप दिख जाएगी, लुक काफी ज्यादा अच्छी है, नीचे से मेटल की दिख जाएगी, तो ये चीज मुझे इसके अंदर अच्छी लगी, एंड इसकी भी 0.9 mm की भाई अच्छी है। एंड देखो इसके अंदर जो ग्रिप है ना वो काफी अच्छी रबराइज्ड मिल जाएगी, जैसे सेलो की सुप्रीम थी काफी अच्छी क्वालिटी के साथ, एंड मैकेनिज्म तो प्रॉपर ही वर्क कर रहा है। तो मुझे जो प्रॉपर इनमें ज्यादा बेस्ट लगा है ना भाई वो फ्लेयर वाले लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर इरेजर की भी डिजाइन यूनिक है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी लेड भी ज्यादा देखने को मिलेगी। देखो जो इनके साथ राइटिंग एक्सपीरियंस मिला है ना भाई वो भी ये कि ठीक ही मिला है। देखो राइटिंग एक्सपीरियंस ना इनके साथ तो भाई लगभग सिमिलर सा ही है, कुछ ऐसा खास डिफरेंट है नहीं, आपकी मर्जी है आप कौन सी लेनी चाहो फ्लेयर या कैमलिन। देखो भाई ये ना ऑटो गियर है 0.7 mm के अंदर, तो भाई पेंसिल तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, एंड यहाँ पे देखो जो इसकी है ना ये भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है 0.7 mm साइज के अंदर, मतलब इन्होंने इस पे मेंशन किया हुआ है कि भाई ये नॉन स्टॉप ऑटोमेटिक राइटिंग देती है, तो हम देखते हैं कि सच में ऐसा है कि हमें इसकी लेड बार बार यार निकालनी तो नहीं पड़ेगी या खुद से ही निकलती रहती है, तो वही चीज देखते हैं भाई 40 रुपए के हिसाब से भाई बिल्ड क्वालिटी तो नहीं लग रही है, ये फंक्शन की वजह से 40 रुपए की हो तो कह नहीं सकता। देखो भाई इन्होंने सही लिखा है, सच में ऑटो गियर है, जैसे गाड़ी होती है भाई बिना गियर के, ना कोई गियर लगाने की झंझट, ऑटोमेटिक, तो भाई उसी तरीके की, बार बार दबा के आपको नहीं निकालनी है, आप लिखते जाओ धीरे धीरे लेड भाई खुद बाहर आती रहती है, तो मजा आ गया इससे राइटिंग में ना। सुप्रीम की जो ये फैशन है ना सेलो की, नॉर्मल के कंपेयर तो यार दिखने में तो वैसे तो सेम सी है, बस ये कि इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी बाहर से चेंज कर रखी है, एंड देखो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, उसी की वजह से आपको ऊपर रबर दिख जाएगी, एंड जो रबराइज्ड ग्रिप है वो भी काफी ज्यादा चिकनी सी, और देखो मैकेनिज्म भी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं पेंसिल कोई 10 तरीके के कुएं को खोद के बाहर निकलने वाली है, तो देखो इस तरीके से आसानी से पेंसिल बाहर आ जाएगी। थोड़ी सी मैं राइटिंग करके देखूं तो भाई राइटिंग में तो वही है कि सेम सा ही मजा है, बस ये थोड़ी ग्रिप अच्छी बन रही है उसके कंपेयर ना जो हमने पुरानी थी नॉर्मल सुप्रीम है, तो उससे तो थोड़ी ये है कि पैसा भी तो ज्यादा लिया है, तो आपकी मर्जी है भाई, आपको दिखने में अच्छी चाहिए चलने में तो सेम ही है लगभग। लास्ट आ गई पेंटल, भाई सच में यार देखो काफी ज्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी इसकी डिजाइन की हुई है, एंड देखो इसकी क्लिप भी काफी ज्यादा हैवी मेटलिक है, ऐसे लग रहा है कोई प्रीमियम क्वालिटी का पेन यूज कर रहे हो, एंड 0.7 mm के अंदर है, और देखो यहाँ पे भी ना पूरी कवर्ड है, एंड आप इसको इस तरीके से रोटेट करके ना इसकी इरेजर को बाहर निकाल सकते हो, तो भाई इसकी इरेजर भी मैकेनिज्म है एंड इसकी पेंसिल के अंदर भी मैकेनिज्म है, तो आप इसकी पेंसिल को कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, सेम ऊपर से रेट्रेक्टेबल है, तो आप इसको एक बार ही निकालें हम, और थोड़ी राइटिंग देखते हैं कि राइटिंग कैसी मिलती है पेंटल के साथ। ओ भाई सच में जो मजा है ना भाई ग्रिप सेक्शन में, क्योंकि लेड वगैरह में तो देखो उतना डिफरेंट नहीं है, बस टूट नहीं चाहिए, क्वालिटी राइटिंग तो सेम ही देती है, तो भाई
जो इसके ग्रिप सेक्शन में मजा है ना भाई, वो सबसे ज्यादा मुझे अभी तक देखने को मिला है। उतना कोई स्मूथ मजा लिखने में किसी और पेंसिल से नहीं आया। तो भाई मैं तो इसको आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 50 रुपए में पेंसिल ढूंढ रहे हो ना, तो बेस्ट पेंसिल है भाई पेंटल। देखो इस कलेक्शन को रिव्यू करने के बाद ना भाई, जो हमें सबसे ज्यादा पेंसिल पसंद आई है ना, वो देखो 10 रुपए के अंदर तो ये डॉम्स की है भाई। बिल्ड क्वालिटी एंड लुक वाइज एंड क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है। एंड देखो ये दूसरे कलेक्शन में हमारे पास ना एक हमने नटराज की काफी पसंद आई है, एंड ये सेलो की आर्क भाई, दोनों ही काफी यूनिक सी क्रिएट की हुई पेंसिल है। एंड भाई उसके बाद देखो जो 20 रुपए में आने वाली भाई इन्फिनिटी की पेंसिल भी हमें ना काफी ज्यादा पसंद आई है। ये लगाओ यार, सच में ना बहुत ही ज्यादा सुंदर पेंसिल है। एक ये यूनिक तो क्रिएट करने की कोशिश की भाई, पर उतना मजा नहीं आया इसके अंदर ना। अगर आप लोगों ने यूज किया तो जरूर बताना। उसके बाद देखो ये पेंसिल है जो हमारी पेंटल की, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और ये होजर की भी काफी अच्छी लगी क्योंकि इसका जो ऑटो गियर का सिस्टम है वो ज्यादा पसंद आया। एंड आपको इस कलेक्शन के अंदर भाई कौन सी पेंसिल पसंद है एंड आपने कौन सी पेंसिल यूज की हुई है, तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर आप परचेज करना चाहते हो इन पेंसिल्स को, तो भाई उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, एंड वहां पे आपको सभी तरीके के स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट कलेक्शन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। अब आपके लिए रिव्यू करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।